हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष, आज मैं निफ्टी बैंक निफ्टी और एक बढ़िया स्टॉक लेके आया हूँ। जैसे कि मैं आपके लिए कल लेके आया था एक बढ़िया कंपनी जो कि आज लगभग 13-14% का अप मूव दिया है। मार्केट गिरा, निफ्टी 200 पॉइंट गिरा, फिर भी वो स्टॉक 13-14% के ऊपर भागा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मल्टीबैगर का स्टॉक और कंप्लीट एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ। ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में हम लोगों को एक एक मिनट में इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। एक बार आज का कैंडल नहीं शो कर रहा है, ये देखिए। हाँ, आज का कैंडल अभी शो किया। ये देखिए, यहाँ पे जो डार्क क्लाउड टाइप का कैंडल बना है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया। एक बार गैप डाउन खुला, गैप डाउन खोल के मैं एक बार इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो मार्केट गिरा है बाहर के मार्केट के लिए, सब चाइना में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए आज हम लोगों का मार्केट में भी रिफ्लेक्शन आया। तो बाहर के मार्केट में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों का मार्केट में भी इफेक्ट होगा। फिर भी हम लोग अभी एनालिसिस देखते हैं क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम कल के लिए। ये देखिए, निफ्टी यहाँ से एक अप मूव दिया, ये अप मूव आया यहाँ से, फिर ऊपरी स्तरों से गिरावट मिला है और आज हम लोगों को एक गैप डाउन मिला। गैप डाउन से एक देखिए अच्छा रिकवरी आया, जहाँ पे जो लोग कल ये एरिया में छोड़ के गए थे उनका प्रॉफिट होके और अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था ऊपर के लेवल तक। फिर यहाँ से एक बिक वाली एक स्टार्ट हुआ, जो कि कल का जो क्लोजिंग एरिया था उसी एरिया को इसने रेजिस्टेंस जैसे काम किया। ये वाला जो एरिया था, ये एरिया रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू नीचे की तरफ फिर से मूवमेंट हुआ है। तो ये जो एरिया था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड मिला नीचे की तरफ। तो मैं आपको अपना शॉर्ट्स में भी भेजा हूँ, दिया हूँ कि हम लोगों का पुट भी ये एरिया में लिया हुआ था, तो उस हिसाब से हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट पुट के साइड में भी मिला और कॉल के साइड में भी मिला। जब ऊपर जा रहा था मैं आपको बताया था कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना है, तो उस हिसाब से हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड मिला ये एरिया में। मैं इसे हटा देता हूँ एक बार। ये एरिया में हम लोगों को एक अच्छा बाय साइड में भी ट्रेंड मिला, जो डिप मिला था हम लोगों को, गैप डाउन मिला था ये एरिया के आसपास, हम लोगों का बाय किया हुआ था और ऊपर की तरफ एक बढ़िया चाल मिला। फिर यहाँ पे भी एक जब हम लोगों को दिखा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक रेड कैंडल बनाया, फिर जो दूसरा रेड कैंडल बनाया इसमें भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू ये सेलर्स सेल कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोल सकते, ये फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे जो था ये मुझे लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग, पर एक्चुअली ये यहाँ पे जो ट्रेड, यहाँ पे सौदा जो बनाया है, सेल किया है, वो आज भी यहाँ पे ये एरिया में सेल किया, पहले ऊपर की तरफ लेके आया। यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे होंगे, फ्रेश ट्रेड लिए होंगे, फिर एक गिरावट होने के बाद कंटिन्यू पूरा गिरता गया। तो आप लोगों को निफ्टी में भी थोड़ा कॉशसली ट्रेड लेना है, बाय साइड में प्लान करोगे, पर एक अच्छा गिरावट मिलने के बाद अभी बाय साइड में प्लान मत कीजिए, थोड़ा नीचे आ सकता है और निफ्टी, क्योंकि ये इसने एक मेजर सपोर्ट एरिया जो कि इसका 17,440 का एरिया जो बन रहा था, मैं आपको इसका डेली दिखा देता हूँ एक बार, डेली टाइम फ्रेम फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया था यहाँ से, ये जो एरिया था, ये एरिया में सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि इसने फर्स्ट टाइम लिया था, लेके ऊपर की तरफ निकला, फिर से ये एरिया के अंदर आ गया। तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ये लेवल तक भी निफ्टी दिख सकता है, 17,250 का लेवल हम लोगों को वेट करना है, 17,250 के लेवल के लिए। यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा रन अप ऊपर की तरफ मिल सकता है, या फिर ये एक फिर से
अपना रेंज में घुस रहा है, और यहाँ से जब ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो हम लोगों को एक बढ़िया चाल ऊपर की साइड मिल सकता है। पर आप लोगों को अभी थोड़ा वेट करना है, वेट एंड वॉच मोड में रहिए। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा, आप लोग पैनिक मत कीजिए। ये गिरावट है, नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है ज़्यादा। जिनका पोर्टफोलियो है होल्ड करके रखिए, इतना भी खराब सिचुएशन सिनारियो बना नहीं है जिससे कि आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी सेल करने के लिए ज़रूरत पड़ सके। पोर्टफोलियो में हमेशा यदि आप लोग अच्छा स्टॉक रखे होंगे तो आप लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग आराम से उसे होल्ड करके रखिए। मैं आज एक बढ़िया कंपनी बताऊंगा, आज इनफैक्ट दो कंपनी बताऊंगा, जो कि मैं भी आज निफ्टी 200 पॉइंट गिरा है फिर भी मैं बाई किया हूँ, इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में, ऑलरेडी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया हूँ, उसके बारे में भी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। अभी देखिए, मुझे लग रहा है कि 250 का लेवल आ सकता है, 17,000 का लेवल भी आ सकता है, आप लोगों को 17,000 का लेवल भी मिल सकता है। तो पैनिक मत कीजिए, आराम से बैठे रहिए। यदि नीचे भी आता है तो डरने का बात नहीं है, यहाँ पे भी हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चाल मिलेगा। तो अभी मैं आपको इसका वीकली चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। वीकली में देखिए कैसा पैटर्न बना है, वीकली में थोड़ा खराब पैटर्न बना है, ऐसे ये मुझे लग रहा है कि नीचे आ सकता है 250 के आसपास। 250 के बाद 17,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ब्रेक भी शायद नहीं करेगा। यदि ब्रेक करता है, किस पैटर्न में कौन से कैरेक्टर में आके ब्रेक करता है वो देखना पड़ेगा। और अभी आपको एक अच्छा लेवल है 250, वहां पे यदि आप लोगों को एक रिवर्सल मिलता है तो आप लोग वहां पे बाई कर सकते हैं। पर आपको कैंडल कंफर्मेशन पहले चाहिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 250 का लेवल आता है तो आप लोग बाय कर लोगे, वैसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। और एक बार मैं आपको इसका मंथली का भी चार्ट दिखा देता हूँ, मंथली में कैसे पैटर्न बना है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। और बैंक निफ्टी में भी हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली से स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, बैंक निफ्टी का भी ग्रीन हो रहा था, बहुत ही बढ़िया ग्रीन हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ से बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल मिल सकता है। बैंक निफ्टी का एक बार हम इसका वीकली देख लेते हैं। देखिए, वीकली में भी एक रेड बन रहा है, रेड बन के ग्रीन, रेड बन के ग्रीन, ये भी अभी रेड हो रहा है। बाहर एक्चुअली बाहर के मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम है, चाइना मार्केट आज बहुत ही गिरा है, 500 पॉइंट के ऊपर 3% गिरा, हैंगसिंग भी 3% के ऊपर गिरा था। मैं आपको उसका भी एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट, मनी कंट्रोल, ये देखिए, ये है investing.com का साइट। यहाँ पे अभी US 30 643.9 पॉइंट डाउन है, 33,941 अभी चल रहा है भाव। 34,000 का जो मेजर सपोर्ट एरिया था वो भी तोड़ दिया है, और ये मुझे लग रहा है कि और नीचे की तरफ जाएगा। इसका भी हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए, निक्की में अभी भी 645, मतलब 2.5% 2% के ऊपर डाउन है। हैंगसेंग देखिए 3% डाउन है, और चाइना A50 ये भी 3.5% लगभग डाउन है, 500 पॉइंट के ऊपर गिरावट हुआ है। और निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोगों का अभी भी माइनस में ही है, ये 376 के आसपास, 352 के आसपास चला गया था निफ्टी 50 एक बार। सब चौतरफा बिकवाली है बाहर के मार्केट में, तो अभी हम लोगों को कोई भी एडवेंचर नहीं करना है, पहले ये सब सेटल होने दीजिए, फिर हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा बाई साइड में, तब बाई करेंगे। अभी बाय का प्लान मत कीजिए, बाय का प्लान कहीं पे भी करेंगे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। अभी किसी भी लेवल में आप लोगों को मिलता है तो वेट कीजिए, और सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दबा के सेल भी कर सकते हैं। सेल में आप लोगों को स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिलेगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से अभी घूम रहा है, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न बना के ही नीचे की तरफ आएगा, यदि उसे बहुत ज़्यादा नीचे आना है तो।
ये हम लोग देख लिए बाहर का मार्केट, अभी हम लोग अपना बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वीकली में ऐसा पैटर्न बना है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे भी हुआ है। ये देखिए डेली का ये एक टॉपिंग आउट बॉट टाइप का कैंडल है। यहाँ से ये ऊपर जाके ये एरिया में जो क्लोजिंग दिया, फिर आज ये उसके क्लोजिंग के आसपास से ही पूरा एक बिकवाली आया है। तो ये क्लोजिंग उसका रेजिस्टेंस था, तो वहाँ से बिकवाली मिला है हम लोगों को। तो ये बहुत ही बढ़िया जगह था एक्चुअली सेलिंग के लिए। हम लोगों का सेल भी उसी एरिया के आसपास ही हुआ है। एनीवे इसका हम लोग एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं, देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए ये भी निफ्टी के जैसे ही हुआ था, निफ्टी गैप डाउन खुला रिकवर किया, ये भी गैप डाउन खुला रिकवर किया, फिर ये एरिया में कल के क्लोजिंग के आसपास से ही देखिए कंटिन्यू एक बिकवाली मिला है हम लोगों को बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को यदि ट्रेड लेना है तो 36,400-35,000 के आसपास, 37,500 सॉरी 37,500 के आसपास आप लोगों को यदि मिलता है तो वहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी फिर से ये एक रेंज के अंदर घुस रहा है, और रेंज के हिसाब से आप लोगों को सेल करना चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यदि ऊपर जा रहा था, यदि इसी फ्लो में चलता रहता तो वो और ऊपर 40,000 का लेवल भी मिल सकता था बैंक निफ्टी में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बाहर के मार्केट में एक्सीडेंट टाइप का हुआ है, चाइना से कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिला है, तो उस हिसाब से मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नेगेटिव न्यूज़। तो आप लोगों को भी थोड़ा कॉशियसली ट्रेड लेना है। बैंकिंग का स्टॉक जो है आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आज मेटल सेक्टर में भी गिरावट आया है, मेटल सेक्टर के भी बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी बैंक निफ्टी में आपको यदि सेल करना है तो 37,485-500 के एरिया में आप लोगों को सेल करना है। मैं इसको एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में इजीली पूरा पता चल रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर से कंप्लीट सेलिंग आया है। तो उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड भी ये एरिया में भी आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिला है। यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद देखिए फिर से गिरावट आया। ये यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर गिरावट स्टार्ट। जब मार्केट चढ़ता है तब भी वैसे ही होता है। ये देखिए यहाँ पे गिरावट स्टार्ट, ये गया ऊपर, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, ये एरिया में कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट स्टार्ट, फिर कंसोलिडेट किया, गिरावट स्टार्ट। तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं ट्रेड लिया अभी तक मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि आप लोगों को यदि आइडेंटिफाई करना आ गया कि कंसोलिडेशन एरिया कौन सा है, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये एरिया में फिर से कंसोलिडेट किया, ये जो पोर्शन है फिर आके ब्रेकआउट दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट का पूरा कंप्लीट सिनारियो देख के बाहर के मार्केट से क्यूज लेके आज पूरा रनअप मिला है। तो आप लोगों को अभी थोड़ा वेट करना है, बाइंग एरिया अभी नहीं है, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको एक अच्छा मल्टी बैगर देता हूँ, जैसे कि मैं आपको कल दिया था एक मल्टी बैगर, मल्टी बैगर का नाम था प्रीकैम। और उसमें आज एक बहुत ही बढ़िया रनअप मिला है। निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, पर प्रीकैम बहुत ही बढ़िया रनअप हम लोगों को दिया है प्रीकैम ने। ये देखिए थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, एक बार नीचे आया था, नीचे आके देखिए कंटिन्यू रिकवर किया और दिन भर पूरा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। और मुझे लग रहा है कि कल के दिन भी ये कंटिन्यू करना चाहिए इसका ट्रेंड। मुझे 110 के आसपास, 112 के आसपास टारगेट दिख रहा है, जो कि इसका क्योंकि इसका स्माइली टाइप का जो पैटर्न है वो बन सकता है इसमें, ये जो स्माइली है ये स्माइली का लेवल हम लोगों को दिख सकता है। तो आज के लिए मल्टी बैगर स्टॉक है
कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है पॉलीमेक, POLYMECH। 53.50 का भाव चल रहा है और यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके कर रहा था, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर कंसोलिडेट कर रहा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक चाल देगा, तो आप लोगों को इसमें बाय पोजीशन लेना है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग साउंड कंपनी है, आप लोगों को एक अच्छा चाल इसमें मिल सकता है। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।